अरे के मौत आ गई तुझे या बापू तू यू की हाल बना रखा। अरे कुछ ना मुल्तानी मिट्टी लगा रखी गिलो आवे इससे। हाँ तुझे लानी बनो गलो ला के। देख भाई तुझे तो ब्याह करना नहीं, मैं सोच रहा मैं ही कर लूं। बापू लोग हंसेंगे। हसन दे लोग तो अब भी हंसे हैं। यार बापू देख जब तक मैं वकील नहीं बन जाता मैं ब्याह नहीं करने का। तो बन जाना, प्राइवेट कॉलेज में ले ले एडमिशन तू। बापू इस बार जरूर आ जाएगा सरकारी में नंबर। तू कुछ ना बने तू मेरा बना रहा। ऐसा कैसे बापू, वकील तो मैं जरूर बनूंगा। जा बापू तू एक काम कर जाके सो जा और मुझे पढ़ने दे। हाँ पढ़ेगा तू, मुझे पता है किताब खोल कर सो होगा तू। सही आ रहा गिलो तो। हाँ भाई वकील चल दिया भगवान को पट्टी पढ़ाने। अरे भाई इसे पट्टी ना इसे भक्ति कह मैं। हाँ मैं जानू तेरी भक्ति। अरे इसे हाथ ना इसे रैपटा कह मैं, ऐसा मारूंगा घुमा कर रैपटा नाली में घेर दूंगा साले को। ओए वैसे तो मैं हिंसा के बहुत खिलाफ हूँ पर उंगली बाजों को मैं उंगली करने से बिल्कुल नहीं बचता। और सुन ले इससे पहले मैं झाड़ू दे के तेरा मोर बना दूं, उड़ ले भीतर को, समझ गया ना। चलो चले जा। हे भगवान आधी जिंदगी तो निकल ली मेरी किताबों में मत्था मारते मारते और आप मेरा कुछ कर नहीं रहे। ऊपर से बापू का रोड डंडा रहे कि ब्याह के लिए। कभी कभी तो दिल कहे हाँ कर दूं पर फिर ऐसा लगे कि भगवान कुछ करेंगे मेरा। हाँ सब कुछ मैं ही कर दूं, तू खुद कुछ मत कर लिए। तू जो रोज मेरी कमियां निकालने आ जा है कभी किताब भी खोल कर देख लिया कर। किताबें खोलते ही तो तुझे आ जा नींद और भगवान से चाहिए फल। भगवान जी आप तो मुझे गुस्से में लग रहे हैं, मुझे ऐसा लगा देवी माता ने कुछ कह दी दिखा है। हैं भगवान जी आप गुस्से में हो मैं चलूं, और अपना ध्यान रखना भगवान जी। खड़ा खड़ा सो गया या कोई केस लड़ने लगा था? अबे यार ये लड़की गई ना इसे देख कर दिमाग हिल गया। कौन ये? हाँ प्रधान की बहू की भतीजी है, वकालत कर रही है, छुट्टियां मनाने आई है यहाँ पे। हाँ तो फिर ठीक है, यू भी वकील मैं भी वकील, घर के दरवाजे पे लिखवा दूंगा वकील रंगीला। थम जा पहले पेपर तो क्लियर कर ले वकील की पूछ, चल चलना ना है क्या? अरे हाँ यार इसके चक्कर में तो जरूरी काम भूल गया, चला जल्दी लड़कियों को देख के। अरे चिंता मत कर फोन ना खो जाएगा। प्रधान जी हुई कुछ बात? हाँ भाई बात तो हुई थी, 8 लाख रुपए लगे। 8 लाख तो बहुत ज्यादा है प्रधान जी। भाई सरकारी काम है, सरकारी कॉलेज चाहिए, तले से ऊपर तक पैसा जावे है, ये 8 लाख रुपए कुछ भी ना, ये तो मेरी वजह से हो रहा नहीं। काम जब 20-25 लाख रुपए का था मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है जी। देख मैंने तुझसे पहले भी बताया था अब भी बता रहा, कुछ ना रखा वकालत सकालत में, उसे कोई ऐसी दुकानदारी करा दे जिससे 2 रोटी मिलती। फूफा जी वकालत में क्या दिक्कत है? गुनगुन बेटा कमी वकालत में नहीं है, कमी इसके लड़के के दिमाग में, किताब खोलती तो इसे नींद आ जावे है। अरे एडमिशन चाहिए सरकारी कॉलेज में और वो भी बिना पैसे के, कैसे हो जाएगा? ठीक है प्रधान जी मैं चलूँ। और भाई ध्यान रखो जितनी चद्दर हो उतनी पैर फैलाया करो। ठीक है जी वकील बनाएंगे। जाओ बेटा तुम भी अंदर जाओ नाश्ता कर लो और मैं भी निकलूंगा, मेरे लिए भी नाश्ता तैयार कर देना। रोक 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 रोक। हाँ अब एक बात बता। हाँ वो पेपर दे तो देगा? अगर वो ना माने ना हाँ तो हाथ जोड़ लियो, और अगर वो फिर भी ना माने तो
तो दोनों बाजू ऊपर करके है, दो कदम पीछे करके है और डायरेक्ट पैर में गिरियो और जब तक मत छोड़ियो जब तक वो हाँ ना करे। अरे उसे साले को मैं पकड़ तो सारा ही लूंगा। हाँ चल ठीक है चलूं। हाँ चल। राम राम जी। राम राम कैसा है भाई? अजी एक पेपर का जुगाड़ कर दो। पेपर मतलब? मतलब आपकी फैक्ट्री में तो छपे हैं ये सरकारी पेपर वकालत के, वो दे दो। अच्छा इसमें मेरा क्या फायदा है? अजी गरीब की दुआ लगेगी। बकवास ना करिए आज के बाद, आज तो कर दी ना तो पुलिस का उठवाएगा, ऐसी राम प्यारी तोड़वाऊंगा याद रखेगा। ना मुझे दवा चाहिए ना दुआ, मेडिकल मेरे घर का और दुआ मेरी लुगाई फूंक दे रही। क्या बात कर रहे हो तुम उनसे? अरे वही पेपर लीक करने की। अच्छा 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 भाई साहब कर दो यार, इसमें क्या गिर जाएगा तुम्हारा? निकल साला आया हिमायती, निकल गए बुलाओ पुलिस को। चल ले आए पेपर लेना है। नींद और खराब कर दी। अजी मैं थोड़े ना चला रहा, मैं तो पीछे बैठा ही ना मारी होगी। यू तो हाई लो पारी सा तो दिखता ही ना कुत्ता सा। हाँ कुत्ता तो ये है। अच्छा बेटे काम तेरे बनवाऊं मैं और शहर तू नकटी सी की ले रहा है? नकटी होगी तेरी बहन, मुंह संभाल का बात करिए समझा। देख ले मेरी बहन को नकटी कह रही है, अब ना बोल ले तो उसको कुछ भी। अजी नकटी मत कहो, हम तो उसे भैंस कहे, तुम भैंस कह लो। कह दी मुझे लगा पापा से कहनी पड़ेगी। हाँ जा कह दिए पढ़वा लिए पूछ। वैसे तो कुत्ता है तो पूंछ तो तेरा होगी ना, तू क्यों मुंह लग रही है इनके? चल ओए अब ना ठुकेगी बाइक, पूछ क्यों? हाँ पैदल लेके चलूंगा। चल अब भाई तू गुस्सा क्यों हो रहा चलाना इसे? मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मैं तू तो गिरकेट निकला यार, लड़कियों को देख के रंग बदलने लग गया। अबे यार तेरी भाभी थी ना इसलिए मैं पिघल गया। हाँ और जिस दिन मैं पिघल गया ना उस दिन मत बोल दियो है राम जी क्या हो गया। चुप चल दे साले, पिघले ना पिघले पर जमा जरूर दूंगा तुझे मैं। स्टार्ट कर इसे। मंत्री जी आपका पैसा मेरे यहाँ से ज्यादा सेफ हो ही नहीं सकता, ये समझो अडानी और बैंक वाले भी यही पैसा रख के जाते हैं। जी 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 नहीं नहीं आप जितना भरोसा करते हो ना मेरे पे ये समझ लो वो भरोसा आपका ठीक है। पापा किराया पैसे इनका देख ले लीजिए, जो है उसी में काम चला, कुछ ना रखा आईफोन फाइफोन में। अरे फोन तो बटन वाले से भी हो आईफोन से भी हो और वो जो घुमाने बंद करने वाला हो उससे भी हो मैं तो, तुझे अलग से क्या फोन लेने की जरूरत पड़ रही है? 1.5 लाख की तो बात है। 1.5 लाख रुपए मैं तुझे अपनी कमाई से 1.5 रुपया ना दूं? पापा बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद ये सब कुछ मेरा ही है, क्या छाती बदल कर ले जाओगे? कपूत दान कर दूंगा मगर तेरी अय्याशी को 1 रुपया ना छोड़ के जाने का, इतना ही शौक ना तो ये दिखावे का, तो मेहनत कर और मेहनत ना होती ना चोरी कर डाका गेर, मगर मुझसे 1 रुपया मत मांग लिए। अच्छा चोरी डाका ठीक है। ललित क्या हुआ? अरे सुन तो सही, फूफा जी क्या बात हुई? कुछ नहीं तुम अंदर जाओ। ललित ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा था फिर? अरे उसका काम है गुस्सा करने का। क्या हुआ पापा? अरे कुछ ना बताया ना। तो फिर भैया ऐसे क्यों चले गए? और कैसे जाता, उसका तो काम है रोज भागने का। आपने कुछ बोला होगा भैया को? हाँ मैंने तो उसे भी बोला और तुझे भी बोल रहा हूँ, चुपचाप अंदर चले आओ। कोई समझता ही नहीं है हमारी भावनाओं को। अरे हमने भी तो मेहनत करके सब कुछ बनाया है।
आ गया भाई घूम के, और घूमिया अगर पेट ना भरा हो तो। अरे यार बापू मैं कहीं काम से गया था। काम से ही तो तेरा कोई मतलब ना है, हराम के खाने की आदत पड़ गई तुझे। छोड़ यार बापू, नु पता प्रधान क्या गया था? हाँ गया था, 8 लाख रुपए मांग रहा। कहाँ से लाऊं 8 लाख रुपए, खूब बेइज्जती करी मेरी, और वो भी तेरी वजह से। यो प्रधान हमारा भला चाहता ही ना, ना तो 8 लाख तो खुद दे देता, उसे पैसे कमी थोड़ा ही ना, हम उसके पैसे मार थुन रहे थे। कह रहा था तुम उस लायक ना हो, जमीन तो मैंने तेरी माँ के इलाज के लिए गिरवी रख दी, अगर वो जमीन भी होती उसे बेच के तुम्हें वकालत करवा देता, दिखाता उसे प्रधान को पैसों की गर्मी क्या हो। मन तो मेरा ऐसा कर रहा उसके घर में चोरी करके उसी के पैसे से वकील बनूं मैं। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा उसके घर में चोरी करके उसी के पैसे से सारे संकट दूर कर दूं। बाबू तुम रो क्यों रहे हो? पिंकी अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे मार देंगे। तो यार तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? अरे सट्टे के पैसे, अगर पुलिस के पास गया तो वो मुझे ही अंदर कर देंगे। मैंने कितनी बार बोला तुमसे इन सब चीजों से दूर रहा करो। अच्छा वो मुझे मार देंगे ना, तुम्हें तब समझ आएगा, तुम सुनाने में रहना। चेक कितने पैसे हैं? 3 लाख। चलो ठीक है, शायद कोई आ रहा है ना, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। हाय राम, हाँ भाई गांव वालों, तुम्हें जानकारी तो हो गई होगी मेरे घर में चोरी हुई है, और मैं उस चोर का पता तो निकाल लूंगा, मगर गांव समाज की वजह से मैं 24 घंटे का समय दे रहा हूं, या तो चोर सामने आ जावे, अगर मैंने पता लगाया बहुत मुश्किल होगा। अरे प्रधान जी इस तरह से गांव वालों पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? अरे पुलिस में रिपोर्ट करो, जिसने चोरी करी होगी पुलिस अपने आप ठालेगी। हाँ 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 पुलिस में भी रिपोर्ट होगी, 24 घंटे का समय तो मैंने इसलिए दे दिया कि मेरे गांव समाज की बात है, और पुलिस एक को न ठाती पूरे गांव को उठावेगी, एक एक आदमी को तोड़ेगी, जब जाएगा पता लगेगा। मैं चाहता हूं पूरे गांव को ना परेशानी झेलनी पड़े, वो आदमी सामने आ जावे, मैं वादा करता हूं, मैं खुद इस गांव का प्रधान होने के नाते वादा करता हूं कुछ नहीं कहूंगा, मुझे मतलब सिर्फ अपने पैसे से है, गांव की इज्जत से है, इस चीज में दोनों जा रही है। हाँ प्रधान, जो तेरे बस की हो कर ली। अरे पता तो लगा लूंगा मैं चाह रहा हूं खुद ही सामने आ जावे। रंगीला भाई ये प्रधान रिपोर्ट करने से क्यों हिचकिचा रहा है? अरे सारा हराम का पैसा था, रिपोर्ट करेगा तो यूं ही ढह जाएगा। ये बात भी है। चलो घर चलो, कड़ी बनाई है मम्मी ने। हाँ भाई तू इतना गिर गया, अपने घर में चोरी कर ली,
अरे डायन भी नौ घर छोड़ दे वह है, तेने तो एक भी ना छोड़ा। काश मैंने की होती चोरी। तुम जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए, जिस इंसान ने भी किया है ना अच्छा किया है। बताए तो पैसा मेरा ना है, मंत्री जी का है। कैसी औलाद है, अपनी घर में डकैती घेर के बैठ गया। अरे बता दे भैया बता दे, अगर मैं मरा ना तो बचे तू भी ना है। यार क्या करूं प्रधान जी, एक बात कह रहा हूं। हाँ भाई तू भी कह, दुनिया कह रही तू क्यों पीछे रह। कल शाम जगन घर के बाहर चक्कर काट रहा था और दिन में भी आया था, जब मैं पैसे लेकर आया था तब। छगन हाँ भाई क्या हुआ पंचायत में? क्या बापू, प्रधान के यहाँ चोरी होगी, हराम का पैसा था, रिपोर्ट करवा नहीं सकता, गांव वालों पे इल्जाम लगा रहा। वैसे तुम क्यों ना गए वहां? यू कैसे जाते उस पंचायत में, असली चोर तो यही है। इसे डर था पकड़े जाने का, इसे पता था वहां जाएगा तो पोल खुल जाएगी, मैं तो आंखें देख के पहचान लू। कब तक छुपेगा, तेरा भेद खुल गया है। क्या बकवास कर रहा प्रधान? पूछ अपने बाप से मैं क्या कह रहा हूँ, कल मेरे घर के सामने कैसा आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। अरे वो तो मैं ऐसे ही गया था, प्लान बना रहा था ना, ना बचे तो तेरे घर के आगे घूमने से चोर बन जाएगा क्या? यू तो गांव पंचायत पुलिस बताएगी। और सुन, वो पैसा मेरा नहीं था, वो पैसा मंत्री का था। या तो चुपचाप कबूल कर ले, अन्य दोनों बाप बेटे कहीं टंगे पाओगे। और सुन, कल तक का टाइम है, ज्यादा टाइम मेरे पास है ना, चुपचाप आएगा हाँ कर दिए तो जिंदगी बच सके। बापू ये सब के है? बेटा वो तो मैं उसके पैर पकड़ के भीख मांगने गया था तेरे लिए, अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई तो मैं वैसे घूम के अपनी हिम्मत जुटा रहा था। अच्छा तो मैं ही कुछ देखता हूँ। क्या करें यार भाई, पता तो करना पड़ेगा, ये इतना मोटा हाथ मारा किसने। लेकिन जिसने भी मारा होगा ना ऐश कर रहा होगा वो। भाई देख पता तो करना पड़ेगा, पर पता करें तो करें कैसे। वो तू एक काम कर ले, तू प्रधान के यहाँ जा और वहां देख के चल रहा। चल ठीक है मैं जा रहा हूँ। पता तो करें तो करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ बाबू पैसों का इंतजाम हो गया यार, पापा ने वैसे ही नाटक कर रखा। शाम तक पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, ठीक है? वो बुआ जी ना, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ भाई क्या लेना आया? राशन लेने आया था मैं। कट्टा कहाँ? जेब में दे दो। राशन है, चूरन थोड़ी है जो जेब में दे दू। जा कट्टा लेगा। कट्टा? हाँ ला रहा। अरे है क्या प्रधान जी? प्रधान जी राम राम। क्यों आ गया कल ठिकाने? बताना है होगा कहाँ रखे पैसे, जल्दी बता कहाँ रखे पैसे। वैसे प्रधान जी अलमारी की चाबी किस चीज के पास है? चाबी तो मेरे पास ही रहती है, मगर चोर को चाबी की जरूरत नहीं होती, वो हजार तरीके जानता है अलमारी खोलने के। कल किसके पास? कल भी मेरे पास थी। प्रधान जी क्या मैं वो अलमारी देख सकता हूँ? वैसे तो मैंने आज तक अपनी बहू को भी नहीं दिखाई, मगर चल तुझे दिखा दो। यही लगा है चाबी। पापा जी ये क्या हो रहा है? ये वकील तो बन ना सका, इन्हें आप दो चार नाटक जासूसी के देख लिए,
तसल्ली करनी चाह रहा, मतलब देख ले भाई तू भी तसल्ली करके, चोर तो इसका वापस ही निकलेगा। और पिंकी फोन में ठीक आवाज आ रही है कि ना? और हाँ, कल सुबह अपने बाप का केस लड़ लिए बिना वकालत के। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं भी आ रहा हूँ। गांव वालों, मैंने अपना समझ कर चोर को 24 घंटे की मोहलत दी कि चोर अपना गुनाह कबूल कर ले और सामने आ। चोर उसको बहुत साबित समझ रहा है, सोच रहा था बच जाऊंगा मगर वो बचेगा। मैं अब भी एक मौका देता हूं, या तो खुद से सामना आ जाए, अगर मैंने नाम लिया ना बहुत बेइज्जती होगी। चोरी ये जगन है, चोरी करके अपने बेटे का भविष्य बनाने चला था, वकील बनाना चाहता था। मैं तो कहता हूं ऐसे आदमी को गांव में रहना ही नहीं चाहिए, पूरे गांव का नाम बदनाम कर दिया। आज मेरे घर में चोरी करी है, कल तुम्हारे घर में चोरी करेगा। ऐसे चोर को गांव में रहने का कोई हक नहीं है, नहीं बात पैसे वसूल करने की। इसकी जमीन बिकवा दूंगा, इसका घर बिकवा दूंगा, पैसे तो वसूल कर लूंगा, मगर उससे पहले मैं पूरे गांव की तरफ से फैसला लेता हूं कि इसे गांव से निकाला जाएगा। क्या आप लोग सहमत हो? रुक जाओ प्रधान जी, इतनी जल्दी भी ना करो। गांव वालों, पहले मैं भी सोचता था एक पल के लिए कि मेरे बाप ने चोरी करी होगी, पर फिर मुझे याद आया इतनी हिम्मत मेरे बाप में है ही नहीं। फिर मैंने क्या करा, प्रधान जी के परिवार वालों का पीछा करा। बताओ लास्ट में क्या पाया? इसका बेटा ललित, जो कल तक एक एक पैसे को तरसता था, वो आईफोन ले आया, वो भी 1.5 लाख का, वो भी चोरी से अगले दिन। अच्छा, चोरी की इसकी औलाद ने और इल्जाम गांव वालों पे? अरे भाई रुको, मैं घर को वापस आ रहा था, मैंने के देखा इसकी सपुत्री अपने परिमी को, मतलब मेरा मतलब अपने दोस्त को पैसा दे रही थी। ये लो पूरे 3 लाख रुपए, और ध्यान रखना आगे से नहीं बचाऊंगी। पूरे पूरे हैं? थैंक यू सो मच जी। याद रखना आगे से बचाऊंगी नहीं। हाँ कोई बात ना, एहसान कर रही है, दहेज वाले ने तो काट लिए। अच्छा, इनके लड़का और लड़की दोनों ही चोर हैं? क्या बकवास कर रहा तू, अपनी जवान को लगाम दे। अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी निकाला जवान खींच लूंगा कुत्ते। इतनी जल्दी भी कहे प्रधान जी, अभी तो बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। तो गांव वालों, मैं थोड़ा सा आगे को चला तो एक खंडर पड़ी कोठी से एक लड़की निकली, गांव के जो बाहर है खंडर पड़ी कोठी, उससे एक लड़की निकली। मैंने उसका पीछा करा तो मुझे उसकी पायल दिखी। मुझे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि वो प्रधानी की भतीजी गुनगुन थी। शक तो मुझे इनकी अलमारी देखते ही हो गया था, ना तो वो टूटी ना उससे कोई जबरदस्ती करी गई, तो इसका मतलब है चोर तो इनके घर में ही है। और फिर मैं उस पुरानी कोठी में भी गया। गांव वालों, मैंने वहां क्या देखा,
आप सोच भी नहीं सकते, पूरा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? ओए ओए ओए, क्या बकवास कर रहा? 1 करोड़ ना 2 करोड़ थे। गुनगुन बताती क्यों ना, तू ही तो रखा है। हाँ भाई, क्या हुआ गुनगुन जी? अभी तुम कच्ची हो चोरी और वकालत के मामले। वैसे मुझे पक्का पता नहीं था कि तुम ही हो, वो तो मैंने तुक्का मारा था जो बिल्कुल फिट बैठा। यहाँ पूरा गांव टेंशन में था सिवा तुम्हारी। गांव वालों को कौन सा गन्ना घेर के पैसे इकट्ठे करे मैंने? वो पैसे मेरे हैं, पता कहाँ है? पैसा गांव वालों का गांव वालों को दे दिया, गांव की योजना का था। चल ठीक है, बाकी 1 करोड़ रुपए कहाँ है? अरे भाई प्रधान जी, चोर तू तो था ही, अब झूठ ही बोलने लगा। 1 करोड़ था। 1 करोड़ चोरी करता है खुद, और इंजाम हम गांव वालों पे। मैं तो कहता हूँ मारो साले को। मैं तो कहूँ मारो इसे। क्यों प्रधान जी, वकील बनाई तो ना हूँ, पर दिमाग और सपने वही है वकील वाले। ये प्रधान तो 2 करोड़ रुपए बता रहा था। सरकार दे रंगीला, क्या मामला है? सुन, प्रधान तेज बन रहा था, एमएलए का पैसा खाना मांग रहा था, और इसकी भतीजी भी चल मिली हुई थी। प्लान तो इनका ठीक था, पर इन्होंने आदमी गलत चुन लिया फंसाने को, मेरा बाप। मतलब वो 1 करोड़ रुपए अपने पास है, अपन करोड़ में से बन गए।